दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश 50 मार्क्स में जितने सारे क्वेश्चंस आपके प्रो सेक्शन के विद द फोटोग्राफर जो कि दूसरा चैप्टर है, इसी चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आएंगे, साथ में समरी, सभी कुछ को आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। तो आज जो है हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर जो है साथ में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और फिर लास्ट में हम लोग समरी को देखेंगे। तो ये जो है आज जो विद द फोटोग्राफर से आपके बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या फिर समरी, सब कुछ आज हम लोग अच्छे से इस वीडियो में हम लोग हिंदी में समझ लेंगे ताकि हम लोग को कोई भी परेशानी ना हो। सो हम लोग अच्छे से आज डिटेल में आज हम लोग जाने वाले हैं। तो बस आप लोग जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। और जो आप नीचे एक कमेंट करना कि अगला चैप्टर जो है गुड मैनर्स, उसका वीडियो हम लोग लाए या ना लाए, तो बस आप लोग लाइक करके नीचे कमेंट कर देना। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आती है विद द फोटोग्राफर का, तो ये है द एसे विद द फोटोग्राफर इज रिटन बाय, मतलब ये जो है द एसे मतलब ये जो है एक निबंध है, विद द फोटोग्राफर एक निबंध है। सबसे पहली बात तो ये जो निबंध किनके द्वारा लिखा गया है, जेसी हिल, एजी गार्नियर और सी एम जॉर्ड और स्टीफन लियोकॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन लियोकॉक, ये जो थे विद द फोटोग्राफर जो कि एक निबंध है इसको लिखे हैं। तो अब जो है ये सेकेंड क्वेश्चन अपना जो पूछ रहा है 13 नंबर, स्टीफन लियोकॉक हैज़ रिटेन द एसे, मतलब ये जो स्टीफन लियोकॉक है कौन से एसे को लिखे हैं, यानी कौन से निबंध को लिखे हैं। तो अभी हम लोग देखे थे स्टीफन लियोकॉक विद द फोटोग्राफर को लिखे हैं, तो ये हाँ विद द फोटोग्राफर। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों घुमा फिरा के पूछा गया है, सो इसका आप लोग ख्याल रखें। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है। तो ये है अपना द ऑथर स्टीफन लियोकॉक हैज़ गॉन टू ए, मतलब स्टीफन लियोकॉक जो थे कहाँ गए थे, मतलब वो कहाँ गए थे गॉन टू। तो मतलब हो गया इसका आंसर हो जाएगा स्टूडियो, क्योंकि स्टीफन लियोकॉक जो थे वो स्टूडियो गए थे फोटोग्राफ के लिए, एक फोटोग्राफर के पास गए थे ताकि वो जो अपना एक फोटोग्राफ, एक अच्छा सा फोटोग्राफ निकल पा पाए, तो वो जो स्टूडियो गए। तो आंसर हो गया ए। तो 15 नंबर क्वेश्चन हो जाती है द फोटोग्राफर्स स्टूडियो वाज, मतलब फोटोग्राफर्स का स्टूडियो कैसा था, जिनके वहाँ जिनके यहाँ वो गए थे स्टूडियो में, तो उनका जो स्टूडियो कैसा था। तो आंसर जो हो जाएगी नॉट प्रॉपरली अरेंज, मतलब वो स्टूडियो जो था प्रॉपरली अरेंज नहीं था, मतलब अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं था, जो सामान जहाँ रहना था वहाँ नहीं था, तो इसलिए आंसर हो जाएगी नॉट प्रॉपरली अरेंज। तो ये सब हम लोग अभी समरी में देख ही लेंगे। तो आगे जो है अभी हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये है द फोटोग्राफर वाज ए, द फोटोग्राफर वाज ए, फोटोग्राफर कैसा था। तो वो जो था थिन मैन था, मतलब पतला आदमी था। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, तो ये है 17 नंबर द फोटोग्राफर ट्विस्ट द, ये स्टार मार्क्स लगा लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द फोटोग्राफर ट्विस्टेड द ऑथर्स फेस, मतलब वो जो है ऑथर्स फेस, मतलब वो जो लेखक जो थे उनके फेस में क्या ट्विस्ट किया था, क्या ऐड कर दिया, क्या किया था। तो वो जो है द फोटोग्राफर ट्विस्टेड द ऑथर्स फेस सेवरल टाइम, बहुत बहुत बार जो है वो जो है फोटोग्राफर के फेस पर ट्विस्ट किया था, मतलब बहुत सारा बात बोला था। अब जो है द हु इरिटेट हिज कस्टमर्स, मतलब अपने कस्टमर्स को कौन इरिटेट करता था। तो ये जो है आंसर हो जाएगी द फोटोग्राफर, द वो जो फोटोग्राफर था वही अपने कस्टमर को इरिटेट कर रहा था। कैसे, क्यों वो बार बार अपने किसी कोई भी कस्टमर को उसके फेस पे कमेंट करता था, ऐसे ही वो स्टीफन लियोकॉक के फेस पे भी कमेंट किया था। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं, ये 19 नंबर द ऑथर स्टीफन लियोकॉक वाज नॉट प्लीज विद द फोटोग्राफर बिकॉज ऑफ, मतलब स्टीफन लियोकॉक जो थे वो फोटोग्राफर से प्लीज नहीं थे, मतलब वो खुश नहीं थे, उन पर गुस्सा थे। क्यों, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा हिज इरीटेटिंग बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर था, उसका स्वभाव जो था बहुत इरीटेटिंग टाइप का था, और वो जो है फोटो बहुत ख़राब निकाला था जो कि राइटर का कुछ काम का नहीं था, इसलिए वो उतना स्टीफन लियोकॉक गुस्सा थे उसे, नॉट प्लेस्ड। तो हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं, 19 का आंसर हो गया सी, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये है द ऑथर वॉज स्टनेड टू सी हिज फोटोग्राफ बिकॉज, मतलब वो जो है ये स्टीफन लियोकॉक यानी जो जो अभी ऑथर थे वो अपना फोटो देख के क्यों चौंक गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इट डिड नॉट लुक लाइक हिज ऑन फेस, वो मतलब वो जो फोटो था वो उनके अपने फेस से नहीं मैच कर रहा था, वो मतलब एक सरप्राइज सा हो गया था, वो देख के चौंक गए थे कि ये किसका पिक्चर है आखिर।
तो बाद में जो है उसके बारे में ये जो फोटोग्राफर जो था ये अपना कन्विंस करने का कोशिश किया, लेकिन उससे नहीं हुआ। अब जो है 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका 20 का आंसर हो जाएगा बी। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, हु लॉस्ट हिज टेम्पर टू हिज फोटोग्राफ। मतलब ये जो है मतलब कौन अपना आपा खो बैठता है जब वो अपने फोटोग्राफ को देखता है। तो ऑथर जो है फोटोग्राफ को देखते ही मतलब फोटो अपने फोटो को देखते ही इसलिए आपा खो बैठता है क्योंकि वो जो है पता नहीं उसको फोटोग्राफर जो है कुछ ऐसा अटैच कर दिया था उनके फोटो में, आईब्रो वगैरह हटा दिया था और जो है फोटो को रिटच कर दिया था, जिसके वजह से जो है फोटोग्राफर जो है ये स्टीपन लियोकॉक यानी ऑथर का फेस मतलब उनके फेस की तरह नहीं लग रहा था, इसलिए वो देख के पूरा टेम्पर यानी गुस्सा में आ गए थे। तो कौन आए थे? द ऑथर, ऑप्शन बी। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी, सो ये इसके लिए बस आप एक लाइक तो जरूर कर सकते हैं, तो लाइक कर दीजिए। अब जो है हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है, हु हैड सेड दैट इट इज़ मी, हु हैड सेड दैट इज इट इज़ मी। कौन कहता है कि क्या मैं ये हूँ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑथर कहते हैं इट इज़ मी, क्या यही मैं हूँ। तो यही जो है अगला हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये है, डैश रोड द पीस विद द फोटोग्राफर। मतलब ये जो पीस है विद द फोटोग्राफर ये किसने लिखा है? तो स्टीपन लियोकॉक, एस लियोकॉक भी आ सकता है एग्जाम में, ये बात का आप ख्याल रखें, एस लियोकॉक मतलब स्टीपन लियोकॉक। तो अब जो है अगला चैप्टर का जो ऑडियो मतलब ये ऑब्जेक्टिव जो आने वाली है ये गुड मैनर्स पे आने वाली है, इसके लिए आप लोग नीचे कमेंट करना कि आप लोग को इसका ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव प्लस समरी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आप लोग नीचे जरूर इसके बारे में कमेंट करना। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं विद द फोटोग्राफर का सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पहला क्वेश्चन आ जाती है, क्या पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हाउ डज स्टीपन लियोकॉक डिस्क्राइब द फोटोग्राफर। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डज स्टीपन लियोकॉक डिस्क्राइब द फोटोग्राफर। मतलब स्टीपन लियोकॉक जो थे फोटोग्राफर को किस तरह से परिचित करवाए थे मतलब अपने लेख में अपने एस्से में। तो ये जो है फालतू का बेकार का लाइन है स्टार्टिंग में, स्टीपन लियोकॉक इज इन हिज एसे, ये चलो ये अच्छा लाइन है। अपने अपने लोग ये देख रहे हैं ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, क्योंकि आप लोग को बहुत सारा शब्द होगा जो आपको एग्जाम में नहीं याद आने वाली है, जैसे ये सब शब्द आपको एग्जाम में याद नहीं आने वाली है, आप कुछ ऐसे शब्द बताएंगे कि आप वो शब्द को आप याद कर सको। तो इसलिए जो है आज ये वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव के लिए भी आप आज लाए हैं। तो ये क्या है, हाउ डज स्टीपन लियोकॉक डिस्क्राइब द फोटोग्राफर, स्टीपन लियोकॉक इन हिज एसे विद द फोटोग्राफर। तो अपने लोग यहाँ इतना ये लाइन फर्स्ट लाइन उठा लेना, उसके बाद हम लोग को क्या करना है यहाँ से, यहाँ ही मूव्स फ्रॉम द ऑथर टू हिज कैमरा सेवरल टाइम, बहुत बार, ही इंस्ट्रक्ट द ऑथर सम टाइम। तो अगला जो है टू ओपन हिज माउथ, मतलब वो जो है ये फोटोग्राफर जो था मतलब ये स्टीफन लियोकॉक को बोलता था जो अपना मुंह खोलो इधर उधर आइज को ड्रॉप करो नीचे करो रोल करो, आई ही इरिटेट मतलब वो जो है ना ऑथर को इरिटेट कर चुका था। एंड वेन द ऑथर बिकम एंग्री द फोटोग्राफर टेक द फोटोग्राफ, मतलब जब स्टीफन लियोकॉक जब गुस्सा में आ गए तब जो है उसी समय जब गुस्सा टाइप का फेस लग रहा था उनका तब जाके ये जो फोटोग्राफर था उस समय का पिक्चर लिया। वैन द ऑथर शो द फोटोग्राफ ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड डैट वॉज कम्प्लीटली चेंज मैन, मतलब वो जो जब फोटोग्राफ लिए ये ऑथर जब देखे कि ये कौन सा मेरा पिक्चर है, तो वो जब देखे तो वो पिक्चर जो था उनसे फोटोग्राफर जो निकाला था स्टीपन लियोकॉक से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, उनके अपने फेस से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। ही लेफ्ट द फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ यानी फोटो को वहीं पे छोड़ के चले गए। अब जो ये लाइन आपको रिपीट वही किया गया, तो इसलिए गाइड का जो भी रहता है ना, तो इसलिए हम लोग आपको यहाँ पे वीडियो के द्वारा बताते हैं ताकि आप लोग गाइड में कुछ गलत ना पढ़ो। यहाँ पे देख लो, वैन द ऑथर शो द फोटोग्राफर, यहाँ भी लिख रहा है वैन द ऑथर शो द फोटोग्राफ, मतलब यहाँ लाइन रिपीट किया गया है। तो हम लोग ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, तो हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन से देखते हैं, ये जो है, वाई डिड स्टीफन लियोकॉक आस्क इट इज़ मी वैन ही शो द फोटोग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। तो ये क्या बोल रहा है, वाई डिड स्टीफन लियोकॉक आस्क इट इज़ मी वैन ही शो द फोटोग्राफर, मतलब स्टीफन लियोकॉक क्यों कहते हैं कि क्या यही मैं हूँ, वैन ही शो फॉर हिज फोटोग्राफ, जब वो अपने पिक्चर को देखते हैं। स्टीपन लियोकॉक हु डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस विथ
फोटोग्राफर इन हिज स्टूडियो इन इज फेड अप विथ हिज बिहेवियर। मतलब ये जो है स्टीफन ल्यूकॉक अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो जब स्टूडियो गए तो उनको फोटोग्राफर के साथ उन फोटोग्राफर का क्या बिहेवियर था। आफ्टर लॉस्ट ऑफ इंट्रैक्शन टू कीप द फिजिकल पोस्चर्स अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी ऑफ द फोटोग्राफर ही क्लिक द कैमरा एंड टेक द फोटोग्राफ। आप लोग जो ये है इंग्लिश को जो है अभी आप लोग को हम लास्ट में आपको पीडीएफ बता देंगे कि आपको पीडीएफ के लिए क्या करना है, ये आप डाउनलोड करके अच्छे से आप लोग इसको पढ़ लेना। अभी जो हम लोग शॉर्ट में इस वीडियो में हम लोग बता देते हैं कि ये हुआ क्या था एक्चुअली में। इट ये जब फोटोग्राफर जो उनका स्टीफन ल्यूकॉक का जो फोटो निकाला था उसमें जो है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का लग रहा था फोटो। मतलब वो जिनका फोटो निकाला था स्टीफन ल्यूकॉक का वो बिल्कुल उनके चेहरे से मैच नहीं कर रहा था। इसलिए वो स्टीफन ल्यूकॉक पूछते हैं फोटोग्राफर से कि क्या यही मैं हूँ, इट इज़ मी। तब जाके यहाँ ही रिएक्ट एंड आस्क इट इज़ मी। द फोटोग्राफर ट्राई टू कन्विंस हिम दैट ही वॉज डूइंग द बेस्ट। मतलब फोटोग्राफर जो कन्विंस करना चाहा कि वो अपना अपने तरीके से बेस्ट दिया है। ही सिंपली रिटच एंड मेक द आइज लुक बेटर। मतलब वो जो है आइज को रिटच किया था ताकि वो जो स्टीफन ल्यूकॉक अच्छे देख पाए। आई रिमूव द आई आईब्रो एंड मेड ब्यूटिफुल लाइन। मतलब वो जो है आईब्रो को हटा दिया और वहाँ पे ब्यूटीफुल लाइन मतलब अच्छा सा लाइन लगाया ताकि वो जो है आईब्रो को थोड़ा और अच्छे से दिखा पाए और उनका चेहरा जो है अच्छे से लग पाए। ही आल्सो ट्राई टू रीएडजस्ट द फेस। मतलब वो फेस को रीएडजस्ट करना चाहा। द ऑथर वॉज डिसगस्ट एंड द टोल्ड द फोटोग्राफर डैट ही हैड कम एंड फेथफुल कॉपी ऑफ हिज फेस एंड एज गॉड हैज़ गिवेन हिम। मतलब वो जो है मतलब फोटोग्राफर के पास इसलिए आए थे क्योंकि वो एक अच्छा सा फोटो निकलवाना चाहते थे जैसा कि उनको भगवान ने दिया था, लेकिन वैसा स्टीफन ल्यूकॉक को फोटोग्राफर दिया नहीं फोटो निकाल के। तो वो लास्ट में बोल के जाते हैं कि वो उनके लिए वर्थफुल ही नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। अब जो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ये है हाउ हैड द फोटोग्राफर अरेंज हिज स्टूडियो। मतलब फोटोग्राफर जो है अपने स्टूडियो को कैसे अरेंज किया हुआ था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये है एक्चुअली द फोटोग्राफर्स स्टूडियो हैज़ पुअर लाइटिंग अरेंजमेंट। मतलब वहाँ पे लाइटिंग जो थी बहुत कमज़ोर थी, वहाँ पे लाइटिंग का ठीक ठाक से व्यवस्था नहीं था। सनलाइट हैड कम थ्राउ ए स्टेप ऑफ फैक्ट्री कॉटन विच हैज़ फिक्स्ड ऑन पास्ट विंडो। मतलब ये जो है सूरज की किरणें जो है मतलब सूरज की किरणें जो आती थी वहाँ एक खिड़की के पास एक कॉटन का फिक्स्ड किया हुआ था उसी से सूरज की किरणें आती थी। इन द मिडल ऑफ द रूम देयर वॉज ए बिग कैमरा। मतलब बीच रूम के बीच में एक बड़ा सा कैमरा लगा हुआ था। ए ब्लैक क्लॉथ वॉज अटैच टू द कैमरा। मतलब एक काला कपड़ा के साथ अटैच था वो कैमरा। द फोटोग्राफर अरेंज हिज स्टूडियो इन सच ए मैनर एज स्टेटेड अब। मतलब ऊपर जो कहा गया है इसी तरह से वो फोटोग्राफर जो है अपने स्टूडियो को अरेंज किया हुआ था। तो हम लोग ये क्वेश्चन को भी देख लिया। अब चौथा क्वेश्चन है, टोटल लगभग यहाँ पे आपको आ जाएगी 7 या 8 क्वेश्चन आपको आ जाएगी समरी मिला के। तो हम लोग अभी चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई द ऑथर स्टीफन ल्यूकॉक नॉट प्लीज विद द फोटोग्राफर। लेखक फोटोग्राफर से क्यों खुश नहीं था। या फिर इसी टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है जिसका आंसर सेम होने वाला है। व्हाई वाज द ऑथर एंग्री विद द फोटोग्राफर। मतलब ये जो है ऑथर मतलब लेखक जो है लेखक फोटोग्राफर से क्यों क्रोधित था। तो इसका हम लोग अभी आंसर देख लेते हैं। ये है द ऑथर वाज नॉट प्लीज विद द फोटोग्राफर बिकॉज ही मेड ए मिस ऑफ हिज फोटोग्राफ। मतलब वो जो है फोटोग्राफ के साथ बहुत मिसबिहेव किया है, उसमें छेड़छाड़ किया है। ही मेड कमेंट ऑन हिज फेस हेड एंड यहाँ कार्स लिखा हुआ लेकिन यहाँ ईयर्स होना चाहिए था, ये सी के जगह पे ई होना चाहिए था। इसलिए गाइड में जो है बहुत सारी गलतियाँ रहती है, इसलिए हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताते हैं। वो जो है उनके फेस उनके हेड उनके ईयर्स कान नाक इस सब पे बहुत ज़्यादा कमेंट कर चुका था, इसलिए जो है लेखक जो है क्रोधित थे उन पे। द फोटोग्राफर हैड रिटच्ड हिज फेस नॉट एज हिज एज हेवन। मतलब जैसा उनका वास्तविक फोटो था वो वास्तविक चेहरा था उस टाइप से वो फोटोग्राफ नहीं निकाल पाया। द फोटो वॉज बैड फोटो बहुत ही बुरा था। द राइटर सेड द फोटो वॉज नॉट वर्थली ऑफ मी।
मतलब राइटर जो कहते हैं कि ये फोटो मेरा कोई काम का नहीं है। अब जो है पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर इट इज टाइम व्हेन ही सो द फोटोग्राफ। मतलब क्या होता है जब राइटर जो है अपना फोटो देखते हैं, तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप नहीं भी पढ़ सकते हो। व्हेन द ऑथर सो हिज फोटोग्राफ ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ ड्यू टू रिटच ऑफ फोटोग्राफ। मतलब यहाँ ये बोला जाता है कि जब ऑथर अपना फोटो को देखते हैं, मतलब लेखक जब अपना पिक्चर को देखते हैं, तब वो अपने आप को पहचान नहीं पाते, क्योंकि उसके उनके फोटो में रिटच किया हुआ था, कुछ कुछ ऐड किया हुआ था, जैसे उनका आईब्रो हटा दिया गया था और कुछ लाइनें बना दी गई थी, तो इसलिए जो है वो अपना चेहरा को नहीं पहचान पा रहे थे और वो शॉक्ड हो जाते हैं। मतलब वो आश्चर्य करने लगते हैं कि ये क्या यही मेरा पिक्चर है। हिज आइज वेयर रिटच्ड एंड आईब्रो रिमूव। तो यही बात है, आईब्रो रिमूव कर दिया था, आइज को रिटच कर दिया था, तो द फोटो वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, पूरा पिक्चर के साथ बिगाड़ दिया गया था पिक्चर को। अब जो हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज राइटर्स आइडिया ऑफ ए फोटोग्राफ। ये क्वेश्चन हम लोगों को कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। आप लोग को अगर पढ़ना हो तो आप नीचे PDF डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हो। अगला हम लोग देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग अगला देखने वाले हैं, ये समरी है, तो समरी में हम लोग एक बार समझ लेते हैं, हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं, इंग्लिश के लिए तो आपका बुक है ही, आप आराम से इसको भी डाउनलोड करके आप नीचे आप पढ़ सकते हो। इसमें होता ये है कि ये राइटर जो है जे ये सबसे पहली बात, ये जो अपना चैप्टर है विद द फोटोग्राफर, इसका जो राइटर है स्टीफन लियोकॉक है या फिर एस लियोकॉक है। इसको जो है वो राइटर को एक फ़ोटो की ज़रूरत थी, वो स्टूडियो गए थे, वहाँ स्टूडियो का अरेंजमेंट था बहुत कमज़ोर था, वहाँ पुअर लाइटिंग व्यवस्था था, सूरज की किरणें ठीक से नहीं आ रही थी, और वहाँ कमरा के बीच में एक कैमरा रखा हुआ था जो कि ब्लैक कपड़ा से अटैच था। अब जो है जब फोटोग्राफर आता है रूम में, तब जाके राइटर को फेस पे कमेंट करता है वगैरह वगैरह बहुत होता है। उसके बाद जब राइटर जब ये गुस्सा हो जाते हैं, तब वो उसी टाइम उसका पिक्चर ले लेता है और बाद में वो पिक्चर निकालता है, लेकिन उसमें जो है वो बहुत सारे छेड़छाड़ कर देता है, उसमें आईब्रो हटा देता है, नाक के साथ छेड़छाड़, आईज के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसके वजह से जब ये स्टीफन लियोकॉक अपना पिक्चर को देखते हैं, तब वो चौंक जाते हैं कि या आखिर ये किसका पिक्चर है। वो पूछते भी है कि क्या यही मैं हूँ, तो वो कन्वेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो है राइटर बोल के निकल जाते हैं, वो पिक्चर को वहीं छोड़ देते हैं कि ये पिक्चर मेरा कोई काम का नहीं है। तो आज जो है यही सब, इतना सारे चर्चा आज हम लोग किए। अगला चैप्टर हम लोग गुड मैनर्स पे देखने वाले हैं, तो अगर आप लोग को गुड मैनर्स का वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी आप लाल बटन टन पे दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।